孙悟空。ऑलराइट तो कैसे हो मेरे सुपर सैयन दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब सुरक्षित हो गए यार। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 14 स्टार अल्ट्रा वेजिटा का शोकेस। जैसा कि देख रहे हो पूरा मैक्स हो गया है और इसका 14 स्टार में स्टैट्स काफी अच्छे हो गए हैं। आप तो देख रहे हो 255K स्ट्राइक अटैक, ब्लास्ट अटैक 258K आस पास सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। स्ट्राइक डिफेंस आप देख रहे हो 169K और ब्लास्ट डिफेंस 164K, काफी बढ़िया है यार। मतलब 14 स्टार ऐसा फ्री टू प्ले यूनिट बहुत ही बढ़िया हो गई है। क्रिटिकल ऑलमोस्ट 5000 है इसका, बहुत ही गजब का है। आप देख रहे हो दो कार्ड होल्ड करता है, स्ट्राइक और ब्लास्ट। और जो इसका जो ब्लास्ट है आप देखोगे तो इस पर यह है कि मतलब कि स्पेशल ब्लास्ट होल्ड करता है, इस पर 10% डैमेज इन्फ्लिक्ट ज्यादा करता है, तो यह बहुत ही गजब का है। टैग्स बस एक ही है इसके पास, सैयंस का टैग है, क्योंकि जब एपिसोड में था तो ये फ्रीजा फोर से भी निकल चुका था और फिर वेजिटा फैमिली भी नहीं था, तो ये एक ही टैग है गेल। मेन आपकी बात करो तो आप देख रहे हो कि एक ड्रॉ करता है अल्टीमेट और उसके बाद 20% की अपनी एचपी रिस्टोर करता है, 30% की भी रिस्टोर करता है। जो अल्ट्रा वाली जी एबिलिटी वो बहुत अच्छी है, केवल फ्रीजा सागा वालों के लिए 10% के लिए उनको एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है, और अगर फ्रीजा सागा के एपिसोड से कोई सपोर्ट यूनिट है तो उनको भी एडिशनल 10% का और बफ मिलेगा, मतलब उनके लिए 20% का बफ एक तरह से। तो ये है कुछ इसकी एबिलिटीज। और जो नॉर्मल वाली जी एबिलिटी होती है वो केवल फ्रीजा फोर्स के लिए है, आप देख रहे हो फ्रीजा फोर्स आगा और टैक्स सैयंस, तो सैयंस और फ्रीजा फोर्स दोनों के लिए दिया गया है, आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके पैसिव उतने कोई इंप्रेसिव मुझे नहीं लगे, बस नॉर्मल ही इंप्रेसिव है। और इसके जो पैसिव है सब कैंसल्ड भी हो सकते हैं, बफ सारे कैंसल्ड भी है, नॉन कैंसलबल कोई मतलब पैसिव नहीं थे। लेकिन यार ये एक पैसिव मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि इसके पास फ्री टू जो यूनिट्स हैं उनके पास भी कवर चेंज है, और तो ये कवर चेंज कर सकता है स्ट्राइक पे कवर चेंज कर सकता है। तो फटाफट हम इसको यूज करेंगे इन द पीपी रेटिंग मैचेस। अब देखते हैं 14 स्टार हो गया तो कैसा मतलब कर सकता है। और ये टीम में रन कर रहा हूं मैं, फ्रीजा सागा की टीम है मोस्टली। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी मैंने सारे इसको फ्रीजा सागा पर ही रन किया था, तो इस वीडियो में भी हम फ्रीजा सागा की टीम पर ही रन करेंगे और देखते हैं कि कैसा कर पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला मैच। ऑलराइट, तो पहला मैच आ चुका है, देख लो पहला मैच सन फैमिली के खिलाफ होने वाला है। काफी सही टीम है बंदे के पास, ऑलमोस्ट सब कुछ एकदम स्टैक करके रखा है बंदे के पास, जेनकाई कर रखा है आपने सारी सन फैमिलीज को। तो देखता हूँ किसको किसको लेकर आता है ये। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने रेड वाले के साथ। ओ, पर्पल गुहान को लेकर आया है। ओके नाइस, तो पहले इसने साइड स्टेप से हमने कैच कर लिया है, काफी सही है, तुरंत ही स्विच, कितना अच्छा फास्ट रेट हो गया। ओके भाई सही डैमेज है यार, मतलब ये बहुत टाइम से यार, मैं 3 साल से गेम खेल रहा हूँ और 3 साल से जितने भी फ्री टू प्ले यूनिट्स आए हैं मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट फ्री टू प्ले यूनिट एज फॉर, मतलब बहुत ही गजब का यूनिट है अभी तक का सबसे बेस्ट फ्री टू। भाई डैमेज नाइस, हाई लाइफ खत्म कर दे भाई, नाइस लगता है खत्म तो कर देगा ऐसा लग रहा है। ओके नाइस, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक का सबसे बेस्ट फ्री टू प्ले यूनिट है। कोई भी फ्री टू प्ले यूनिट आता था इससे पहले, अगर मैं सेकेंड कोई मेरा फेवरेट रहा है तो ये रेड वाला जो वेजिटा है, अगर आपको पास होगा पहले से खेल रहे हो सेकेंड फर्स्ट एनिवर्सरी से खेल रहे हो सॉरी, तो आपको पता है फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक रेड वाला वेजिटो करके आया था, उन्होंने उसको 14 स्टार दिया था, वो बहुत ही गजब का टैंकी था। उसके बाद से मुझे कोई फ्री टू प्ले यूनिट इतना अच्छा लगा नहीं, अब जाकर ये मतलब एक अल्ट्रा और गोकू थोड़ा फेवरेट हुआ था, बट उससे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगा कि ये जो वेजिटा ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ओके, मतलब यहाँ डॉच कर लेगा, यहाँ मेरा अल्ट्रा गोकू भी फिनिश कर लिया, तो ये काफ़ी हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास राइजिंग रश भी है और हमारे पास अभी तक राइजिंग रश फॉर्म भी नहीं हुई। ओके नाइस, तो हमने इसको यहाँ कैच कर लिया, देखते हैं स्विच करता है कि नहीं। ओके, अगर स्विच कर ले तो मैं बहुत ही अच्छा है उसके। ओके नाइस, ने स्विच कर लिया, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसको पास यहाँ से हम राइजिंग रश कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी तक डिसएडवांटेज में चल रहे थे, क्योंकि भाई हमारे पास एक यूनिट मर गया था और उसके पास अभी भी राइजिंग रश था, तो यहाँ उसके हमने मेन यूनिट को राइजिंग रश कर दिया है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कम बैक कर लेंगे, कि गोहान बहुत ही ब्रोकन है, आपको पता ही है लास्ट स्टैंड में बहुत ही ब्रोकन है। ओके, यहाँ पर ब्लू कार्ड होता तो भाई साहब मजा ही आ जाता,
अब आई थिंक उसके पास भी अभी राइजिंग रश है, तो वो राइजिंग रश जरूर करेगा। ओ यार इसने ड्रॉप कर दिया, नाइस। ओके नाइस नाइस। ओ भाई थोड़ा सा लेट हो गया, तो यहाँ गलती कर दी, मैं टाइप करके बच जाऊंगा। ओके नाइस नाइस नाइस। ओके ओके नाइस, तो यहाँ हम उसे कैच कर लिया, और आई थिंक ये यहाँ पर इसका डेड गोहान है। ओके तो डैमेज वाइज बहुत ही गजब का है यूनिट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे डैमेज वाइज, बहुत ही मस्त लगा। ओके अब आई थिंक यहाँ पर राइजिंग मछली जरूर जाएगा। ओके ओके ओके, ब्लू कार्ड गया, नाइस। तो ये हमारे लिए अच्छा, ब्लू कार्ड जाएगा तो मैं अपने नेमेकू में स्विच कर दूंगा। ओके नहीं यस, तो ब्लू कार्ड के लिए मैं अपने नेमेकू में स्विच कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसने डॉज कर लिया, तो हम भी यहाँ पर डॉज कर लेंगे, हम भी काफी पेशेंस रख रहे हैं भाई। ओके तो यहाँ पर फटाफट मैं स्ट्राइक ले जाऊंगा और मेरा अल्ट्रा विजिट तब तक आ जाएगा और मैं इसे ब्लू कार से फिनिश कर दूंगा। तो फटाफट चलते हैं अपने सेकंड मैच की तरफ। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है भाई तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलना, डू सब आवर इंडियन डिवल कॉमेडी। फटाफट चलते हैं सेकंड मैच की तरफ। और लाइक तो सेकंड मैच आप देख रहे हो कि राइवल यूनिवर्स के साथ होने वाली है और सही सही टीम लग रही है भाई की। हिट को लेकर आएगा शायद, यस हिट को लेकर आया है तो बर्गामो को लेकर आया। बर्गामो भी बहुत ही अच्छा यूनिट है गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा यूनिट है। लोग उसको बहुत अंडरस्टैंड करके खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा टैंक करता है, उसके अटैक भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम जीत गए हैं क्लैश को, उस भाई का काफ़ी क्लैश खराब हो गया है, तो अभी इसको मैं मजबूर करता हूँ स्विच करने के लिए। ओके ओके नाइस, तो अब हम स्विच करेंगे अपने अल्ट्रा वेजिटा पे। ओके अब की कट गई भाई, आई थिंक सॉरी, आई थिंक नेमो की डॉक्टी थोड़ी कम थी। ओके नाइस नाइस, तुरंत जा रहा है, मैं तुरंत ब्लू कार्ड ले करता हूँ। ओके नाइस, ओके भाई साहब बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, बहुत ही, नाउ देयर्स अ लॉट ऑफ डैमेज, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। ओके नाइस, तो ये सीधे फ्लोटिंग करते हमारे सामने आ गया। ओके ओके, ट्रांस नहीं हुआ था इसलिए शायद की रिस्टोर नहीं किया उसने। ओके सिंगल टाइप किया था मैंने, ओ भाई पता नहीं था। ओके नाइस 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 नाइस, ओके 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 ओके, तो आई थिंक इसका एक यूनिट तो हम फिनिश कर देंगे यहाँ पर। ओके ये यूनिट फिनिश हो गया, तो अब टोपो के पास बस उसकी मेन एबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा स्केयरिंग होती है, वो लॉक कर देता है, तो मैं यार इसका रिस्क नहीं लूँगा। अगर उसने मेरे अटैक्स को डॉज कर लिया तो मैं तुरंत स्विच कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसको वन कॉम्बो कर सकता, यहाँ लेट हो गया, तो यहाँ मैं तुरंत स्विच करूंगा, क्योंकि यार जो हाँ यस यस, क्योंकि ये लॉक कर देगा तो वन शॉट कर सकता है, क्योंकि टोपो बहुत ही अच्छा यूनिट है। आपने खेला होगा टोपो के साथ, अगर भाई साहब राइजिंग तो अगर टोपो के साथ खेला होगा तो आपने भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट वन शॉट कर देता है बहुत ही। और मैं जहाँ तक बोलूँ अल्ट्राज वाले 14 स्टार हो गए, मतलब टैंकिंग के मैटर में उतना अभी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही फिर भी ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बोलूँगा उतना ग्रेट नहीं बोल सकता, लाइक आज के जितने ये आपका टैंक करते हैं जैनकाइस टैंक करते हैं, अब उससे से कंपेयरिंग तो नहीं कर सकते ना भाई, लेकिन फिर भी यार काफ़ी डिसेंट है। ओके नाइस, यहाँ पर हमने डॉज कर लिया, तो अब यहाँ पर इसका ये एक मिनट तो हम लेकर जाएंगे, देखते हैं वो टोपो को, ओके बर्गामो को फिनिश करवाता। ओके ठीक है, तो वो बर्गामो को उसने सैक कर दिया, इसको राइजिंग रश करते हैं फटाफट। ओके ग्रीन कार्ड, ओके ओके ओके, तो ग्रीन कार्ड उसने गेस कर लिया भाई। ओके 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 नाइस, तो यहाँ हमने इसको कैच कर लिया। ओके ओके, वो बंदा तुरंत गया, आई थिंक इसे फिनिश कर देना चाहिए यहाँ से। ओके नाइस, आराम से फिनिश कर देगा भाई, कुछ ज़्यादा एचपी थी भी नहीं, मैं थोड़ा बैक। ओके नाइस, फिनिश मैच कर दिया, तो फटाफट चलते हैं अपने थर्ड मैच। गाइस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलना यार, प्लीज़ यार सब करना चैनल को। ओके थर्ड मैच आप देख रहे हो कि गॉड की टीम के खिलाफ होने वाली है हमारा मैच। गॉड की काफ़ी सही लग रही है इसकी भाई की, देखते हैं वो डबल ग्रीन के साथ भी आ सकता है। ओके ओके ओके, तो डबल ग्रीन के साथ ही है। ओ भाई ग्रीन कार्ड स्पैम कर रहा है बंदा, मतलब देख रहे हो आप 20 को लेकर आया है ग्रीन कार्ड स्पैम करने के लिए। ओके 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 ओके, तो वेट उसने साइड स्टेप नहीं किया, तुरंत अपने वो स्ट्राइक कार्ड के लिए मैं वहाँ वेट कर रहा था साइड स्टेप का, पर उसने नहीं किया, तो बंदा ग्रीन कार्ड स्पैम करना चाहता है भाई, मतलब यूआई गोकू के साथ। ओके ओके, तो यहाँ हमने इसको कैच कर लिया, देखते हैं वो अपने
यूआई के लिए जाता है, अब जाएगा शायद। ओके अब गया। तो भाई यूआई भी बहुत ही स्क्विशी यूनिट है, भले 7 स्टार हो या फिर कितने भी स्टार हो, अगर इसको हमने एक बार कैच कर लिया तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा। बट बस वही है, कैच करने की चांस है। और यहाँ हमने कवर चेंज का यूज़ कर लिया, क्योंकि पता है दोनों अल्ट्रास के पास आपके पास कवर चेंज है। यहाँ मैं की कैंसिल नहीं कर पाया, मैं टैप कर रहा था स्क्रीन पर की कैंसिल करके टैप करना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा था दोनों फ्यूरी अल्ट्रास के पास कवर चेंज है, जो रेड वाला गोकू है उसके पास ब्लास्ट पर है, और जो अल्ट्रा वेजी है उसके पास स्ट्राइक पर है। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ है, दोनों अल्ट्रा फ्री है, दोनों के पास कवर चेंज दिया गया था उन्होंने, दोनों के पास अल्टीमेट भी उन्होंने दिया है। और यहाँ पर हमने इसको कैच कर लिया, नाइस। मैं स्विच करूँगा अपने तुरंत बेजी जी साथ। हाँ मुझे थोड़ा सा कॉम्बो ड्रॉप करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक यूनिट तो मरेगा आप जिसको वो सेट कर दे। ओके ठीक है, मैं भी ऐसा यही करता। वाट वॉज इज लार्ज पार्ट ऑफ बेटर देन ये विश। तो ये खत्म हो गया इसका विश और बीस हो रही है विश। ओके नाइस। तो ये बस इसका मेन यूनिट यही है, इसका अगर मेन यूनिट को हम खत्म कर दें तो फिर यार मैच तो हम जीत ही जाएंगे। और जो यार वार्डोस है बहुत ही गजब सपोर्ट यूनिट है, और कि मैं इसको जाने दूंगा। और क्योंकि मैं बात कर रहा था वार्डोस की, वार्डोस बहुत ही अच्छा सपोर्ट यूनिट, विश से भी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट यूनिट है, क्योंकि हीलिंग करती है, इतनी हीलिंग देती है। प्लस ये जो अटैक देख रहे हो यूआई की, ये मतलब कि बहुत सारे इसके जो जो डैमेज इन्फ्लिक्ट हो रहा है वो वार्डोस के थ्रू ही हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी सपोर्ट यूनिट है यार, बहुत अच्छी सपोर्ट यूनिट। ओके तो यहाँ पर टैप, इस बार वो मैं नहीं फंसूंगा इसके ग्रीन कार्ड पे, तुरंत अटैक ले जाऊँगा। ओके नाइस टैप। ओके मैं तुरंत वेजी लाता हूँ, देखता हूँ तुरंत अगर इसको ब्लू कार्ड कर सकूँ। नाइस कैच कर लिया, आई थिंक वन शॉट कर देगा, नाइस यस यही चाहिए था। अब इसके सपोर्ट चले गए और हीलिंग भी चले। ओ भाई थोड़ा सा लेट हो गया। ओके गाइस आई थिंक मेरा राइजिंग स्टार जा चुका, पर ये फिनिश नहीं कर सकता अंटिल ही यूज हिज अल्टीमेट। तो आई थिंक ये फिनिश नहीं कर पाएगा, यस। और क्योंकि मेरा अब नैमिको भी आ जाएगा, तो ये मेरा राइजिंग रश किए बिना मेरी फिनिश नहीं कर सकता। तो गाइज ये आज इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक करना मत भूलना। डू सब आवर इंडियन डेवल कम्युनिटी, सपोर्ट करो यार, प्लीज़ लाइक करो। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।